हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी उड़द चने की दाल, जो ढाबा स्टाइल दाल, जो कि होटल या ढाबे में आप उंगली चाट चाट कर खाते हैं वैसे ही दाल आज उड़द चने की हम घर पर बनाएंगे। उड़द की दाल और चने की दाल के साथ हम अपनी दाल बनाएंगे। लीजिए, उसके लिए आप उड़द की दाल और चने की दाल लीजिए, उसे भी भिगो दीजिए। जब आप उसे भिगोएं तो उसे साफ सा धो लीजिए। जब वह साफ सी धो जाए, उसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाए, साफ पानी हो जाए, तब आप अपने दाल को साइड में रख दें और फिर आप अपना कुकर लें। कुकर को अच्छे से साफ से धो लीजिए। कुकर धोने के बाद आप उसमें पानी डालें, 2-2.5 गिलास उसमें पानी डालें। फिर आप अपनी चने की दाल और उड़द की दाल को धोकर कुकर के अंदर डाल दें। ये देखिए, हमने अपनी दाल धो ली है। आप भी इसी तरह से अपनी दाल को 5-6 बार धोएं ताकि यह साफ़, उसका पानी साफ हो जाए। फिर आप अपने कुकर में, अगर आप दोनों दालों को मिक्स करके एक कटोरी दाल हो जाती है तो आप 3 गिलास पानी चढ़ाएं और फिर आप इस पानी में अपनी धोई हुई दालों को डाल दें। दालों को डालने के बाद आप इसमें नमक और हल्दी पाउडर डालें, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डाल दें। फिर जब आप हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद आप अपने कुकर को बंद कर दीजिए और गैस पर रख दीजिए। गैस पर रखने के बाद इसमें 5-6 सीटी दीजिए। पहली सीटी फुल गैस पर दीजिए और दूसरी तीसरी जो भी सीटी आएंगी सब मीडियम गैस पर दीजिए ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से गल सके और पक सके। फिर आप उसके बाद आप अपने टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची लीजिए। आप लहसुन, अदरक, जो भी खाना पसंद करते हैं, सोप लगाना या दाल में डालना पसंद करते हैं, आप वो सब आप काट लीजिए। अब आप के टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं, सबके छोटे छोटे पीसेस जो मैं आपने काट लीजिए। अगर आप ग्राइंडर करना चाहें तो आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने किस तरह से अपना मसाला बनाना है। अब हमारे प्याज टमाटर कट चुके हैं, हरी मिर्ची भी कट चुके हैं। आइए, अब एक पैन लीजिए। पैन में आप मस्टर्ड ऑयल डालें। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद आप उसमें तेल में जीरा डालें। जीरा डालने के बाद उसमें आप प्याज डाल दें और जब आपका प्याज लाइट ब्राउन रंग का हो जाए तब आप उसमें टमाटर डालें। ये देखिए, हमारा प्याज लाइट ब्राउन रंग का हो गया है। अब आप उसमें टमाटर डालें और हरी मिर्ची डालें। अगर आपने लहसुन भी डालनी है तो आप जीरे के साथ ही लहसुन को भून लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें लहसुन नहीं डाली है, तो आप अपने लहसुन को जीरे के साथ ही भूनें। फिर उसमें प्याज डालें और अदरक भी लहसुन के साथ ही भून लें। फिर उसमें प्याज डालें। प्याज भूनने के बाद आप उसमें टमाटर डालें और अच्छी तरह से इस मसाले को भून लें। जब ये मसाला भून जाए, अब आपकी दाल उबल चुकी होगी। आप अपनी दाल को देखें कि आपकी दाल बनकर तैयार हुई है या नहीं। अगर हो गई है तो आप अपने इस छौंक में अपने स्वाद के अनुसार धनिया पाउडर डालें, मिर्ची पाउडर डालें, नमक आप डाल चुके हैं, आप चाहो तो थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि नमक हमने पहले डाल लिया है, हल्दी भी पहले डाल ली है, तो अब ये दोनों चीज़ अब नहीं डलेंगी। अगर डल सकता है तो थोड़ा सा काला नमक।
गरम मसाला पाउडर डालें, धनिया पाउडर डालें और इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फिर आप अपनी उबली हुई दाल इसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसे 2-3 मिनट उबलने दें। ये देखिए आपकी उड़द चने की दाल, टेस्टी टेस्टी दाल तैयार हो चुकी है। आप इस दाल को टेस्ट करके देखिए, अगर आपको हमारी दाल पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको दाल कैसी लगी और हमें हमारी कमियां भी बताएं कि इसमें क्या कमी है, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें। धन्यवाद।